जा सकती है और लगभग कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हो चुकी है और यहाँ पे बहुत बड़ा जनसाला जन को देखने को मिल रहा था। नगारी की आवाज़ आ रही है, ढोल की आवाज़ आ रही है, इस तरफ से यहाँ पर उनका जो जनसाला है, कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है या नेता उनका जो जनसाला है, और इसी जनसाला में आपको गदा दिख गया क्योंकि हनुमान बजरंगल सांप यही कर्नाटक के इलेक्शन में चला, यही खासतौर पर मुद्दा रहा। और यहाँ पर फूल जो माला है वो देखने के लिए उन्हें किया और ढोल लगा रहा हर तरफ बजाया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस की जीत का जो जश्न वो अभी से शुरू हो गया है यहाँ पर, हालांकि अभी इतना बाकी कांग्रेस की कल नहीं की। यहीं पर राहुल गांधी जी बैठ दे रहे हैं यहाँ पर। पार्टी से बजरंग दल से जोड़ोगे तो भगवान नाराज हो गए। जब भगवान नाराज हो गए एक मिनट क्या भाई, जब भगवान नाराज हुए कर्नाटक के अंदर तो भगवान बजरंग बली ने ये छोटा गधा चलाया और ये 2024 के अंदर ये देख लीजिए किस तरह से आतिशबाजी हो रही है। भरपूर मात्रा में यहाँ पर पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं, जबरदस्त आतिशबाजी की जा रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता है, दिग्गज नेता, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और देखिए किस तरह से जन सैलाब पूरा हुआ है यहाँ पर और भरपूर आतिशबाजी चल रही है और मिनटों से लगभग किया जा रहा है और कितना समय चलेगा यहाँ पर आतिशबाजी। यहाँ पर आज कांग्रेस के हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल है, एक तरफ आतिशबाजी हो रही है, एक तरफ गदा घुमाया जा रहा है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो दिग्गज नेता है यहाँ पर मौजूद है। यार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। आज कांग्रेस के हेडक्वार्टर में आपको धुआं ही देखने के लिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जितनी आतिशबाजी हुई है और हो रही है हर तरफ धुआं ही धुआं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पटाखा फोड़ने के लिए मना कर दिया गया यहाँ पर। और क्या कुछ अपडेट आता है कांग्रेस के हेडक्वार्टर में हूँ मैं, अगला अपडेट मैं आपको जल्दी दूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।